तो आप वो ले सकते हो। तो मैंने आदि का पुराना यूनिफॉर्म था मेरे पास, जो अभी यूज़ नहीं होगा और उसको होगा भी नहीं, तो मैंने वो कपड़े से ऐसे पतले ऐसे कट करना है उसको। केंद्र के पढ़ते ए इंग नहीं कुंद, इंग बोर्ड यहाँ पोगो स्कूल स्टार्ट ईद किन्या उंड। एनआर हाय फ्रेंड्स, श्रुति शेट्टी आ गई अपनी एट्थ ब्लॉग लेके। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कारपेट कैसे बनाती हूँ। कारपेट वैसे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैंने ऐसे ही जब मैं लॉकडाउन में गांव में थी, तो मैं ऐसे ही हाथ से कारपेट्स बना रही थी, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ आई बैंगलोर, उसके बाद भी मैंने एक कारपेट बनाया, बड़ा कारपेट बनाया था, और आपने मेरे पिक्स में या कोई भी वीडियोस में देखा होगा, मेरे बालकनी में है वो। तो मैं आपको वो कारपेट भी दिखाऊंगी, और आप कैसे इसमें छोटे छोटे मैट टाइप भी बना सकते हो, आपके किचन में रख सकते हो, जो भी गर्म चीज़ हम लोग रखते हैं तब आप यूज़ कर सकते हो। या सजाने के लिए कोई फ्लावर पॉट या कुछ भी है, उसके नीचे भी आप सजाने के लिए ये मैट यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं आज बताती हूँ कि आपके पास कोई भी वेस्ट कपड़ा हो तो आप ले लीजिएगा। तो आपको उसको ऐसे कितना मोटा चाहिए आपको उतना मोटा आप ले सकते हो। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे टी शर्ट का, तो मैंने इसको ऐसे कट किया है। तो ऐसे तीन लेना है आपको, और उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ऐसे तीनों को ऐसे फोल्ड करके ऐसे जॉइंट करना है तीनों। इसको ऐसे जॉइन कर दीजिए स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आप देख सकते हो मैंने तीनों टी शर्ट्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अच्छे से स्टिच कर लिया है। तो आपको अभी करना क्या है, आपको जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं वैसे आपको इसमें भी ऐसे चोटी बनाना है अच्छे से। देख सकते हो ऐसे। ये मैं लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब मैं गांव में थी, तो तब बहुत बोर होता था, कहीं जा नहीं सकते तब, और कारपेट्स भी ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत सारा चाहिए था वो टाइम पे, और सब कुछ बंद था। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी बैठ के कि क्या कर सकते हैं ऐसे। फिर मैं ये आइडिया आया, और ये मैंने बहुत सारा बनाया था गांव में थी तब भी, और यहाँ आने के बाद भी मैंने बनाया फिर छोड़ दिया। अभी फिर से मैंने सोचा चलो ये दिखा देती हूँ कारपेट कैसे बनाते हैं। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप भी बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो, फ्री टाइम है तो। इसको पूरा ऐसे हो गया, इसको अच्छे से अभी नीचे भी इसको स्टिच कर दीजिएगा दोनों एंड्स। तो आपके पास लंबा कुछ कपड़ा हो वेस्ट, जैसे बेडशीट हो, तो बहुत अच्छा है, पूरा आप लंबा बना सकते हो और फिर उसको स्टिच कर सकते हो। ये मेरे पास टी शर्ट था, क्योंकि बेडशीट सब मैंने तो यूज़ कर दिया है अपना पुराना। ऐसे स्टिच करना है दोनों एंड्स। दोनों साइड स्टिच किया मैंने। अभी जहाँ से आपका ऐसा लगेगा ये मोटा है, तो उधर से आपको इसको ऐसे टर्न करना है, ऐसे टर्न कर दीजिए, फिर ऐसे 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 रोल कर दीजिए। तो आप देख सकते हो ये कैसे बनता है। तो ऐसे हो गया, फिर
कि आप इसमें अगर कुछ अलग कलर यूज़ करना चाहते हो, इसको स्टिच करना है, फिर उसके बाद अगर आपको अलग कलर यूज़ करना है तो आप अलग कपड़ा लेके, अगर लाइट कलर, ये डार्क है तो लाइट कलर कुछ यूज़ कर सकते हो या मल्टी कलर कुछ यूज़ कर सकते हो, फिर वहाँ से कंटिन्यू वो कलर यूज़ कीजिए, फिर और एक कलर यूज़ कीजिए, तो बहुत सुंदर दिखेगा ये कारपेट। तो मैं ये बनने के बाद आपको दिखाऊंगी ये कैसे बना। आपको अभी मेथड समझ में आ गया ना, ये अभी स्टिच करना है, इसको ऐसे स्टिच करते जाना है हाथ से ही, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा कारपेट कैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मैट कितना सुंदर लग रहा है, क्यूट लग रहा है। तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप किचन में यूज़ कर सकते हो, कोई भी गर्म चीज़ रखने के लिए, तो तीन चार बना लोगे तो आप कुछ भी रख सकते हो उसके ऊपर, या गरम पैन, कभी कभी आप गरम चीज़ें गैस से उतार के कुछ भी रखना है तो आप रख सकते हो, और डायरेक्ट फ्लोर से रखने से अच्छा ऐसे यूज़ कर सकते हो, फ्लावर पॉट्स रख सकते हो, और इस ये आप बाथरूम मैट्स भी बना सकते हो, थोड़ा मीडियम साइज़ में बनाओगे तो फ्लोर मैट्स भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पॉट सजाने के लिए भी इसका यूज़ किया है, कलरफुल कपड़ा लेके। तो आप ऐसे कोई कुछ भी क्रिएटिव बना सकते हो घर बैठे बैठे। तो मेरा ये मैट देखिए, ये भी मैंने बनाया था एक साल पहले, लास्ट ईयर, हाँ, जब मैं बैंगलोर आई थी वापस। तो इसमें मेरा बहुत सारा बेडशीट्स है, और मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे बेडशीट ला के दिया था एक। तो बहुत कपड़ा यूज़ होता है इसमें, अगर आपके पास पुराना कपड़ा है तो आप यूज़ कर सकते हो ऐसे, और कलर्स भी आप अपना हिसाब से ले सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको मेरा मैट कैसा लगा ये भी बताइए, और अगर आप फ्री हो, टीवी देख रहे हो, तो बैठे बैठे मैट बना लीजिए। थैंक यू।